हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडल धर्मशाला के कर्मचारी आरटीओ कार्यालय के खिलाफ उग्र हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने आरटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरटीओ को भ्रष्ट अधिकारी भी कहा। गंभीर स्थिति को देखते हुए एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा ने कहा कि अगर ये मामला जिला स्तर पर सुलझाने का होगा तो इसे उपायुक्त और आरटीओ के माध्यम से सुलझाया जाएगा, अन्यथा इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। परिवहन निगम में तैनात तेजराम वरिष्ठ सह परिचालक ने कहा कि पिछले माह निजी बस ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध तरीके से बस रूटों में संशोधन किया गया है। इन बस रूटों को निरस्त करने को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन आज के दिन तय था और इसके लिए बाकायदा आरटीओ कांगड़ा को नोटिस भी दिया गया था। उन्होंने कहा कि जो रूट परमिट निजी बस ऑपरेटरों को दिए गए हैं वह पूर्ण रूप से गलत और अवैध हैं। तेजराम ने बताया कि परिवहन निगम को इन निजी बस रूट परमिटों की वजह से रोजाना 1.5 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि इन बस रूटों को परिवहन एक्ट के तहत निरस्त किया जाए। आदेश हुए है, मैंने वैसा किया है। तो दबाव के कारण ही कर रहे हैं, उस दबाव के कारण। तो आपने बताया कि मंत्री के साइन हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं है, क्या उनको पता नहीं है उसके बारे में? उन्होंने जिक्र किया कि इसका एग्जाम सेक्रेटरी द्वारा किया गया है और परिवहन मंत्रालय में भी किया गया है। मुझे उसके उपरांत आदेश आए, वैसे मैंने आदेश किए हैं। अगर सरकार कल को इनको निरस्त करती है तो मैं इनको निरस्त करूंगा, तो पता नहीं कब निरस्त होंगे इसके बारे में। एक और लेटर जारी किया था आरटीओ ने जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि ये जो बस रूट है इंटरस्टेट से इंटरस्टेट कुछ ऐसी बात की थी, वो क्या मामला है? ऐसा इंटरेस्ट जैसे कि पहले रूट जैसे कि उसमें 10 किलोमीटर की माइलेज बढ़ेगी ढांगू से बस स्टैंड तक की, वो ढांगू तक इंटरस्टेट हुए। अब जो बस स्टैंड कर दिए जाएंगे तो इंटरस्टेट रूट बन जाएंगे, उसमें माइलेज बढ़ेगी, जबकि माइलेज किसी भी तरीके से नहीं बढ़ सकती है। जो एग्रीमेंट पिछले साल 2016 में दोनों राज्यों के बीच में हुआ है उसमें हिमाचल के कमिश्नर द्वारा तो उसे साइन किया गया है, पंजाब के कमिश्नर द्वारा भी साइन किया गया है। हिमाचल में तो राजपत्र के माध्यम से आ चुका है पर पंजाब का प्रकाशित नहीं हुआ राजपत्र। तो जब तक पंजाब का राजपत्र प्रकाशित नहीं होगा तो उसमें माइलेज नहीं बढ़ सकती। अभी एचआरटीसी को इन रूटों की वजह से कितना घाटा उठाना, लाखों रुपए का होगा। हमें तो इसकी वजह से दिन का लगभग हमारे धर्मशाला मंडल के अधीन जो बसें चलती है पूरे 6-7 डिपो उसको 1.5 लाख रुपए का घाटा है। 1.5 लाख रोज का। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारा ये है कि इन रूटों को निरस्त किए जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार। परिवहन निगम में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात जसमेर राणा का कहना है कि चोर दरवाजे से इन रूटों को आवंटित किया गया है और एक बस ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली बार देखा जा रहा है कि किसी बस रूट के पेपर पर परिवहन मंत्री के हस्ताक्षर हुए हैं, अन्यथा आज तक किसी भी परिवहन मंत्री के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान आरटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आरटीओ ने जैसे ही अपने कार्यालय की तरफ कर्मचारियों को आते देखा तो कार्यालय छोड़कर बच निकले। एक्चुअली मैं ये जो रूट दिए गए हैं ये रूट हिमाचल टू हिमाचल है, क्योंकि ढांगू जो है वो हिमाचल में पड़ता है और ये पंजाब के बनते ही नहीं है। इसको बड़े चोर दरवाजे से इन रूटों को दिया गया और एक ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने की मंशा से ये कार्य किया गया। मुझे भी 37 वर्ष परिवहन में हो गए, मैंने 37 वर्षों में पहली बार देखा कि किसी पेपर पर परिवहन मंत्री के साइन आए, अदरवाइज परिवहन मंत्री के पेपर पर साइन नहीं आते। जब हमने इस विषय में बात की तो उन्होंने ये बोला कि इनका चुनावों में बड़ा योगदान रहा है। मैं ये समझता हूं कि किसी एक ऑपरेटर का किस तरीके का योगदान रहा है, क्या योगदान रहा है, क्या ये एचआरटीसी को खत्म करने की एक मुहिम है? आज अरबों रुपए की बसें, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो हिमाचल प्रदेश वासियों की है। गंभीर स्थिति को देखते हुए एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनकी बात को सुना। इसके बाद एसडीएम ने कहा कि अगर ये मामला जिला स्तर पर सुलझाने का होगा तो इसे उपायुक्त और आरटीओ के माध्यम से सुलझाया जाएगा, अन्यथा इसे सरकार के पास भेजा जाएगा।
आज मुझे जैसे ही पता चला था कि एचआरटीसी के कर्मचारी आरटीओ धर्मशाला के से कुछ शिकायत लेके कुछ आए थे और शायद कुछ नारे भी लगा रहे थे, तो मैं इनसे जानने के लिए आया था कि किस तरह का ग्रीवेंस है, किस तरह की इनकी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मुझे अवगत कराएं ताकि इसे प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे रिजॉल्व करने के लिए हम प्रयास करें। तो मुझे थोड़ा सा ये ज्ञात हुआ है कि जो समस्या है वो कुछ रूट की बसों को लेके है कि कुछ बसेस जो थी वो अपनी हिमाचल से जो अदर स्टेट में अप्लाई करती है वहां जाती है, तो वहां उन्हें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू एचआरटीसी जो एम्प्लॉई है जो ये शिकायत कर रहे हैं कि कुछ विशेष व्यक्तियों को शायद इससे फायदा हो रहा है। तो मैंने इनसे इनको एश्योर किया है कि मैं ये बात जो है डी साहब के संज्ञान में लाता हूँ, अगर इस तो आरटीओ धर्मशाला से भी आरटीओ कांगड़ा से भी बात करते हैं कि किस तरह की ये समस्या है, ये किस तरह से रूट मिले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रूट देना जो है शायद एक लंबा सा प्रोसेस होता होगा, कुछ फॉलो करते होंगे। तो इसके बारे में मैंने अपने कार्यालय में भी बुलाया है कि डिटेल में अपना लिख के इस तरह का जो भी इनके ग्रेवेंसेस है वो दें